सो गाइस टाइम हो चुका है यहाँ पे 11:30 और अभी तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। आलू के पराठे बनाए हैं किसने? मैंने। तो दोस्तों यार आज लेट उठाऊँ मैं, क्योंकि कल रात को लेट सोए मैं और गीताशु गेम खेल रहे थे कल रात। तो चलो जल्दी से उठते हैं यार, मुँह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद खाते हैं आलू के पराठे। चलो सो गाइस खाना तो मैंने खा लिया है, सो अभी नहाते हैं जल्दी से जाके, तो देखते हैं पानी गर्म है कि नहीं। मम्मी मम्मी गीजर ऑन किया हुआ है? सो दोस्तों गीजर ऑन है, लगता है पानी गर्म हो गया होगा। सो अभी सबसे पहले मैं नहाऊंगा जल्दी से, क्योंकि यार आज भी लेट उठा हूँ मैं। मम्मी यहाँ पे मार रहे झाड़ू वगैरह भी। सो चलो जल्दी से पहले नहा धो लेता हूँ मैं अच्छे से, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइज मैं मतलब फाइनली नहा के अच्छे से रेडी हो चुका हूँ। सो अभी क्या कहते हैं यार, मतलब मम्मी अपना गा रहे गाना अंदर ईयरफोन्स डाल के, और मम्मी नहा लो जाके, पानी गर्म है, नहा लो फिर ठंडा हो जाएगा। तो भाई आजकल देख लो अपने घर में सबसे पहले तो मैं नहाता हूँ भाई। तो गीतांशु ये बैठा है भाई, इससे पूछते हैं, वही नहा ले जाके, पानी गर्म है। सो चलो दोस्तों हम तो नहा लिए फाइनली, अभी सिर में तेल वगैरह लगाना बाकी है। सबसे पहले सिर में मैं तेल लगा लेता हूँ। यार यार आज का दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि कुछ करने को ही नहीं है। मम्मी तो मस्त अपना गाना गा रहे आज। सो गाइस दोपहर के 2 बज चुके हैं यहाँ पे। सो गाइस यार मैंने देख लिया, ये माइक नहीं चल रहा है, अब जो मर्जी कर लो, इसकी आवाज़ नहीं आ रही जैसी पहले आती थी। सो यार अब थोड़ा सा थोड़ा तो घाटा होगा यार, अब थोड़ा भी माइक तो ख़राब हो चुका है। सो अब मुझको बिना मतलब आवाज़ के करनी पड़ेगी व्लॉगिंग। सो थोड़ी आपको आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क मिल सकता है। सो गाइस अभी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लंच, टाइम हो चुका है यहाँ पे 3, और मैं खा रहा हूँ इसमें लंच में पुलाव आज भी, और साथ में लस्सी। सो दोस्तों अभी पहले खाना खा रहा हूँ मैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सो जल्दी से दोस्तों पहले खाना फिनिश करते हैं, उसके बाद मैं आपसे व्लॉगिंग मतलब पहले खाना वगैरह अच्छे से खा लेता हूँ मैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो उसके बाद मैं दोबारा व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो भाई पेट भर जाए बस यार, मज़ा आ जाएगा। सो गाइस मैंने खाना खा लिया है, और मतलब पेट अच्छे से भर चुका है। सो मम्मी भी पीछे खाना खा रहे हैं। क्या हुआ, कहाँ जाना है तुमने? शाम के 5 बज चुके हैं, तो अभी अप्पा जा रहे हैं छत पे पतंग उड़ाने। आ जाओ गाइस। सो आ जाओ, आज पतंग उड़ाएंगे और आईबो करेंगे सबकी। आईबो आईबो। सो दोस्तों ये पूछ रहा है कि आईबो का मतलब क्या होता है। धूप है यार अभी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दोरे पड़ रहे तेरे को, तेरे को देख के ऐसी आ रही। मेरे को बिना मतलब माइक के व्लॉगिंग करनी पड़ रही है। क्यों? माइक खराब हो गया। सो दोस्तों अपना भाई माइक खराब हो चुका है, और अब बिना माइक के व्लॉगिंग करनी पड़ रही है हमारे को। सो थोड़ी वॉइस क्वालिटी बेकार हो जाएगी, कोई बात नहीं, नया मंगा लेंगे, है ना भाई? ये देखो पुशअप मार रहा है। पैसा बहुत कम है। 3-4 ए मत डाल, इस साले हमेशा ही करता है ए मत डाल, क्यों ना डाला ना भाई। ये देखो दोस्तों इसको इतनी धूप में पतंग उड़ा रहे भाई, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा नीचे चल जाओ। सो हम भी चलते ऊपर। अब इसका चप तो काट दे, इतनी अकड़ी पड़ी है, धूप है यार बहुत ज्यादा अभी। चप तो कट ले, चप ना कट दे, ठीक मजा आ रहा है। सो दोस्तों शिवम ने पतंग उड़ा दिया, देखो वो रही अपनी पतंग पन्नी वाली, छोटा भी मुड़ रहा है। इधर देखियो, ओए इसको बोल, गाली दे रहा साला व्लॉग में, गाली क्यों दे रहा है? तो शिवम ने पतंग उड़ा दी भाई, क्या मस्त है, पेचा तो लगेगा नहीं,
इतनी धूप है भाई, मतलब क्या करें अब, पीठ सिक रही है देखो हमारी। सो दोस्तों यार आपने बताया नहीं आईबो का मतलब क्या होता है, बताओ यार, हमारे को तो पता नहीं आईबो क्यों बोलते हैं, पतंग कट जाए उसके बाद सारे कहते हैं आईबो। हमारे पास आईबो, आईबो किसी ने दूर से आईबो बोला होगा, दूर से सुना आईबो हो गया होगा। असली फायदा तब है अगर पतंग काटने के बाद लूट भी लें उसको, है ना। पर यहाँ कौन लूटेगा भाई, यहाँ पे लाइनों पे मतलब तुम देखना भीड़ खड़ी होगी, तुम्हारी पतंग को देखते रहते हैं, मतलब नजर लगा गैंग है वो, मन्नू गैंग छोटा सा बच्चा गैंग लीडर है उनका, नजर लगा के तुम्हारी पतंग कट जाएगी, यूं खड़े रहते देख कि कब कटे, तुम्हारी पतंग कटेगी वो ऐसे लूट लेंगे भाई, डोर भी पकड़ लेते हैं यहाँ तो। सो यहाँ तो ज्यादा इतना है नहीं क्रेज मतलब लोगों को पतंग का, वैसे बहुत है, पर भाई तुम पंजाब साइड चल जाओ तो बहुत है, तुम पंजाब जाओ कभी, पंजाब में तुम्हारे को बहुत पतंगे मिलेगी शाम को उड़ रही है। ये क्या है, हरियाणा है, हरियाणा की बात कर तो। हाँ। मैं कह रहा हूँ तुम पंजाब जाओगे तो। तू गया कभी पंजाब? हाँ। कहाँ गया पंजाब? बचपन में गया हूँ, बचपन में देखी होगी किसी ने। पटियाला भी गया हूँ, पटियाला गया हूँ। तू गया पटियाला? हाँ। कैसे, क्या करने गया था? दीदी का घर है उधर। तेरी नानी का घर कहाँ है? वो तो हिमाचल, नारकंडा। हाँ। इसकी नानी का घर नारकंडा है, मेरी नानी का घर फागू में है। फागू, फागू जानता है कोई? जानता है कोई? फागू गया कोई भाई? फागू आना कभी हमारी हिमाचल आना भाई जी, दिखा दे जा भाई, बहुत धूप आ रही है, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, नहीं तो भाई यहाँ पे मतलब क्या बताएं, चक्कर चुक्कर आ जाएगा। एक कच्ची गली है दोस्तों, कच्ची गली मतलब तेरे को धूप से इरिटेशन होती, धूप से इरिटेशन नहीं है गर्मी में ही जाके बालिका वधू देख तू, तू ओए सारी गई तू कान में लगा के फ्री फायर खेल। पर बालिका वधू कैसे देखूं मैं, बालिका वधू तो ये खड़ी है ऊपर। हम नीचे चलते दोस्तों, तो नीचे जाके देखते हैं मतलब मम्मी क्या कर रहे हैं, क्योंकि भाई मेरा मतलब बहुत मन कर रहा है चाय पीने का यार, चाय नहीं पी आज भी मैंने, सुबह बनाई थी मम्मी ने काली चाय। सो भाई काली चाय तो मेरे को बहुत बेकार लगती है, गीतांशु और मम्मी पी लेते हैं पता नहीं कैसे, सो मुझे तो बहुत बेकार लगती है, तो आओ मम्मी को जगाते हैं चाय के लिए बोलते हैं। A few moments later. सो दोस्तों शिवम छत पे बुला रहा है, कह रहा जल्दी आया, कुछ है पता नहीं क्या है, देख के आते हैं। क्या हुआ? जल्दी आ, अरे हम पतंग को ना है ना हवा में छोड़ देंगे, फिर उनका रिएक्शन देखते हैं सामने कौन कौन लूटता है। अच्छा भाई इनका क्या फैसला है कि ना लोग लूटने आए हुए हमारी पतंग, सो ना ये हवा मिल जाने के बाद थोड़ी ढील देंगे, तो ना ढील देने के बाद ऐसा लगेगा कि पतंग कट गई, लगेगी नहीं छोड़ देंगे। क्या पतंग छोड़ ही दोगे? हाँ क्यों, क्या हुआ देंगे भाई, तो जा रहे हैं घूमने, पतंग लुटवा रहे हैं अपनी, देख लो डोर भी तो कम ही है, इसलिए हमने सोचा छड्डो परे, इतना बड़ा दिल। सो अभी ये पतंग लुटवा रहे हैं, इनसे उड़नी नहीं अब, अरे हवा नहीं आ रही ना अभी, क्या लुटवाओगे तुम अभी, फालतू में बुला लिया मेरे को ऊपर, तू देख तो सही अभी कोई लुटता कि नहीं, पेड़ भी साथ नहीं चल रहा है। क्या यार ये पेड़ भी सारा शराब है हमारे लिए, ये हमारी पतंग हमेशा इसमें फंसती है, देखो हो गया काम है। हो गया ही वो पेड़ कह रहा मैं ही लूटता हूँ, अरे हाय फसा दी इसने, कैसा लग रहा पतंग फंसवा के, मिशन फेल्ड आई, जोर से खींच दे, फंस गई अब तो फट जाएगी, पतंग का तो काम हो गया है। सो अभी नीचे जाएंगे, ये देखो इनके कारनामे, डोर इनकी, अभी फिर से पुशअप मार के दिखाएगा, चल मार, मैं एडिटिंग करके ज्यादा बना दूंगा, मार सही मार, अब नहीं भजेंगे थक गया, चल छोड़ो। सो दोस्तों चलो नीचे चलते हैं, शक्ल देखो कितना शर्मा रहा है। सो गाइस अभी जा रहे हैं नीचे, अभी मम्मी को बोलेंगे यार जल्दी चाय बनाओ यार, चाय पीनी है, मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, चाय बनाओ। कहाँ है मम्मी, चाय बनाओ जल्दी, बना रही जल्दी बनाओ यार, बहुत चाय पीने का मन कर रहा है जल्दी,
जल्दी करो जल्दी चाय बनाओ। सो अभी मम्मी मंगा रहे चाय के लिए दूध, सो अभी लेके आते, चलो पास वाली दुकान से दूध ले आता हूँ पहले मैं। सो यहीं पे घर के पास में दुकान है, यहीं से अभी दूध ले आते हैं जल्दी जल्दी जाके। भाई ये रही दुकान। सो भाई दूध ले आ चुका हूँ मतलब पास वाली दुकान से, तो चलो अब जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं। ये लो जल्दी बना दो। फ्रेंच फ्राइज कैसे बनेंगे बनाओ। सो आज मम्मी कह रहे हैं कि फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं खाने के लिए, तो देखते हैं मम्मी फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं या नहीं। कैसे बनाओगे? कैसे बनाते हैं? मैकडोनल्ड्स वाले चाहिए? मैकडोनल्ड्स वाले मिले या घर वाले मिले? चलो बनाओ, अच्छे बनने चाहिए बस। सो गाइस मम्मी ने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बना लिए कम से कम डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद। सो अब इसको खा के बताऊंगा मैं कैसा है, और साथ में चाय भी बन चुकी है। सो चलो टेस्ट करके देखते जरा कैसा है। ठीक है, सही है दोस्तों, मतलब नमक थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम होना चाहिए, पर ठीक है भाई, चाय के साथ बढ़िया है भाई, बहुत सही है। सो गाइस टाइम हो चुका है 6:30, और ये रही अपनी चाय, चाय के साथ कुछ घर पे बनाए हुए स्नैक्स। सो मम्मी अभी मतलब मम्मी ने भी अपना ले लिया, मतलब हम तीनों ने बंटवारा कर लिया इसका। सो ये बैठ के खाएंगे आराम से। सो यार अपना तो मतलब सारा सौदा मुक चुका, सो अभी मुझे थोड़ा सा लालच आ रहा है, मम्मी दे दो थोड़े से। खत्म हो गए देख ले। दो। खत्म है? सारे खा गए आप? हाँ आए थे। भाई मम्मी भी खा गए सारा। थोड़े से बनाए थे आपने? चार आलू के बनाए थे, चार। चार से क्या होता है, बना दो सारे और। अब नहीं है, अभी खत्म हो गए। चार आलू कितने कम बने? तो तीन भागों में बढ़ गए, कम था। सो दोस्तों मम्मी खा रहे हैं यहाँ पे आम, पापा लेके आए हैं आम बहुत सारे, इसमें है वो है, ये देखो दोस्तों आम, तरबूज भी है छोटे वाला। सो अभी मैं भी एक आम खाने वाला हूँ, चलो दोस्तों आम खाया जाए। सो गाइस टाइम हो चुका है 7 PM के, और मम्मी कर रहे हैं अभी पूजा। मैं सोच रहा था वीडियो की एडिटिंग कर लो यार, क्योंकि रात को बहुत टाइम लगता है। सो चलो थोड़ी सी मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, तो क्योंकि यार मतलब एडिटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, बहुत टाइम लगता है उसमें, तो चलो सबसे पहले मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। लगा दिया। सो गाइस इस टाइम हो चुका है 8:30 PM, मम्मी कर रहे हैं बर्तन साफ, और पापा बना रहे हैं यहाँ पे कद्दू की सब्जी भाई। सो आज बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला मतलब डिनर बनने वाला है, क्योंकि भाई मुझे बहुत मस्त लगती है कद्दू की सब्जी। सो भाई अभी मतलब जल्दी जल्दी देखते हैं कि कैसा बनता है यार खाने में। वैसे पापा बहुत टेस्टी सब्जी बनाते हैं, मम्मी सब्जियां वगैरह नहीं इतनी अच्छी बनाती, मम्मी दाल वगैरह अच्छी बनाती। क्या पापा ही तो बना दे सब्जी अच्छी, मम्मी मिर्च डाल देती है बहुत सारी। अच्छा हाँ, मेरे को मिर्च लग दी जाए मम्मी बना दी, पापा बनाते हैं तड़का वगैरह लगा के। सो वेट करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं कब तक बनने वाला है यहाँ डिनर, तो चलो जल्दी मिलते हैं आपको डिनर के टाइम पे। तो जब तक मतलब खाना वगैरह बन रहा है दोस्तों, क्यों ना हम काट ले थोड़ा सा सलाद। सो दोस्तों सलाद में हम करने वाले हैं इसका खात्मा, तो चलो इस तरबूज को काट के रख लेते हैं छोटे छोटे पीस में, जो कि खाने के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो पहले मम्मी इसको अच्छे से धो लेंगे यहाँ पे, बाकी कोई भी खतरा ना रहे कीटाणु वगैरह का। सो चलो दोस्तों इसको काटना करते हैं हम यहाँ पे शुरू। सो हमारे तरबूज दोस्तों यहाँ पे कट के रेडी हो चुके हैं, सारे पीस में निकाल लिया मैंने। सो दोस्तों अभी जो ये है
इसको हम किसी पन्नी में पैक कर देंगे क्योंकि ये गाय वगैरह खा लेते हैं, सांड वगैरह। सो यार ये उनको दे देंगे। सो ये तरबूज तो हम खाएंगे, तो चलो जल्दी से पहले इसकी सफाई वगैरह करके इस पर अच्छे से नमक वगैरह और पेपर मिर्च वगैरह सब कुछ डाल देते अच्छा सा, तो ये अच्छा बन जाएगा। तो चलो इसको बनाते हैं। सो दोस्तों यहाँ चल रहा है बंटवारा, ये देखो मैं अपनी माँ का ब्याह। सो ये है मम्मी का। मम्मी कहाँ हो? आपके तरबूज अंदर रख दिए मैंने, ले लेना। चलो पहले भगवान को दे देते हैं। भगवान जी तरबूज खा लो, जा 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 वाटरमेलन, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इतने बड़े तरबूज से यही निकले बस थोड़े से पीस, देख रहे हो दोस्तों इतने बड़े तरबूज में, ये देखो इतनी मोटी तो इसकी लेयर है छिलके की, जो अंदर था वो सारा निकाल दिया हमने। यहाँ पे कद्दू की सब्जी रेडी होने वाली है। इसका तो तरबूज पानी। सो गाइस अपना यहाँ पे डिनर हो आ चुका है, मतलब हुआ क्या आ चुका है, कद्दू की सब्जी साथ में सलाद के लिए, मतलब थोड़े से वाटरमेलन और रोटी यहाँ पे है और अचार। सो अभी हम मज़े से नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। खा के बता दे रहा कैसी बनी है सब्जी, आज पापा ने बनाई है भाई। A few moments later. आहा हा। सो भाई पेट भर गया पूरी तरह। सो भाई तुम्हारे भाई ने डिनर कर लिया है, पेट पूरा भर गया यहाँ तक। सो भाई पूरे तरबूज खाए मैंने, सब्जी बहुत बारी खाई, बहुत सारी रोटियां खा ली। सो भाई तुम्हारे भाई का पूरा आज मतलब पेट भर गया और खाना खा के मज़ा आ गया भाई। सो गाइस अभी अच्छे से मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद यार मैं अब आ चुका हूँ डिनर। अरे यार मुझसे इतनी बड़ी ये गलती कैसे हो जाती है भाई, अब नाश्ता करूँ सॉरी। सो दोस्तों अब मैं मतलब डिनर करने के बाद अब बैठ चुका हूँ आराम से, पेट भर गया पूरी तरह। सो अब कर रहा हूँ मैं वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि बहुत सारी एडिटिंग अभी भी बाकी है। सो ये देखो दोस्तों मम्मी अपना मस्त पंखे के नीचे। सो होपफुली आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। सो थोड़ी सी मुझे पता है आपको थोड़ी वॉइस में थोड़ा सा लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़े 3-4 दिन बाद मम्मी करेगी ऑर्डर माइक मेरे लिए। करोगे नहीं बताओ? अभी तो पहले रिमोट लाना है, टीवी बंद हो रखा है मेरे। अच्छा रिमोट तो आ जाएगा, पहले बताओ अगर अभी क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स ने कहा तो लाओगे माइक? सब्सक्राइबर कहेगा तब लाऊंगी, अगर सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करेगा तब भी लाऊंगी। सो भाई जल्दी यार जल्दी सब्सक्राइब करो और कमेंट में बोलो यार कि माइक लेके दो, माइक लेके दो, तभी आएगा यार। सो भाई माइक की बहुत जरूरत है, देखो वो वाला माइक तो बेकार था, वो गारंटी नहीं थी उसकी, सो तो खराब हो गया। सो दोस्तों होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ज़्यादा ब्लॉग को लंबा ना करते हो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक हैं। होपफुली गॉड ब्लेस यू ऑल। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और स्टे होम स्टे सेफ, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन को ऑल पे सेट कर देना, और कमेंट में आप मुझे मतलब कोई भी अच्छे से कमेंट करो, मैं आपको जरूर मतलब रिप्लाई दूंगा, मतलब सबको रिप्लाई देता हूँ मैं ना, कोशिश करता हूँ। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। Let's go!